Hi guys, welcome back to my channel. So probably this intro is going to be the last time which I'm doing. No, I'm not quoting my channel. So basically, मेरे को आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा important बात करनी, like बहुत 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 ही ज़्यादा important. So without any further ado, let's just get started. सो जैसा कि मैंने आपको बोला कि मेरे को आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है, विच मीन्स कि कुछ कुछ बातें हैं जो मेरे आपको बतानी है इस चैनल के बारे में, लाइक फ्यू चेंजेस विच आई एम गोना डू इन दिस चैनल. एंड ऑल्सो मैं आपको अपने एक्सक्यूज़ बताने वाली हूँ कि मैं वीडियो कंसिस्टेंट क्यों नहीं डालती हूँ, लाइक मैं इतने ज़्यादा इरेगुलर क्यों हूँ वीडियोज़ को लेकर के. सो बहुत ज़्यादा बातें होने वाली, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग मी 350 सब्सक्राइबर्स. आई हैवंट थिंक ऑफ दैट, लाइक मैंने सोचा भी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड माई चैनल. मेरे को नहीं लगा था कि मैं 100 सब्सक्राइबर्स होंगे, बट इन द माई वेरी फर्स्ट वीडियो, मतलब पहला जो वीडियो था विच इज इट्स हैपनिंग, जो मैं यहाँ पे डाल दूंगी वो आ जाएगा, उसमें मेरे को 100 सब्सक्राइबर्स मेरे को उसी में हो गए. तो आई वॉज लाइक डैम हैप्पी. एंड नाउ विद इन 3 months मेरे 350 सब्सक्राइबर्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल गाइज, लाइक चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच. एंड यू नो वॉट, जो मेरे को जानते भी नहीं वो भी मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करते, लाइक हे निधि यू आर डूइंग ग्रेट, लाइक आपके वीडियोज़ मैंने देखे बहुत अच्छे हैं, ये वो, थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑब्वियसली थोड़े थोड़े तो हेट भी आते हैं, बट फॉर मी हेटर्स डोंट एग्जिस्ट. तो दैट्स नॉट द पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टॉक टू यू ऑल राइट नाउ. आई एम जस्ट थैंकिंग यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो आप लोगों के इतने ज़्यादा सपोर्ट, इतने ज़्यादा केक्स से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, लाइक आई कैन डू मच मोर बेटर ऑन दैट. आई नो मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेरी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज गाइज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड आई कॉन्ट अफोर्ड दैट DSLR कैमरा फॉर माई ओन मनी. एंड आई वॉन्ट कि मैं इस चैनल में जो भी इन्वेस्ट करूँ मेरे खुद के पैसे से होने चाहिए, मतलब होने चाहिए, सब कुछ इम्प्रूव होगा, प्लीज ट्रस्ट मी. ओके, तो ये हो गई मोटिवेशंस की बात, ठीक है. और फिर मेरे को डीमोटिवेशन भी होते हैं जब मैं देखती हूँ. मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि निधि तेरा चैनल जो वो टॉप पे नहीं आता, जब भी हम लोग निधि सिंह सर्च करते हैं तो वो टॉप पे शो नहीं करता है. तो फिर मैंने भी देखा, मतलब अपने घर के फैमिली में बस भाई मम्मी सबके फोन से देखा, मेरे चैनल में अभी जब निधि सिंह सर्च करती हूँ मेरे चैनल टॉप पे शो नहीं करते. सो इमेजिन अगर कोई न्यू सब्सक्राइबर्स आया और वो मेरे नाम से अगर मेरे को सर्च कर तो मैं उसको मिलूंगी ही नहीं, तो वो फिर मेरे को देखेंगे कैसे, लाइक राइट. तो फिर मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि यू शुड चेंज योर नेम. तो उस टाइम मैंने बोला नहीं हो जाएगा, लाइक दो तीन मतलब और भी वीडियोज डालूंगी तो हो जाएगा. नाउ इट्स 350 सब्सक्राइबर्स, फिर भी नहीं हो रहे मेरे वीडियो, लाइक मेरी वीडियो टॉप पे क्या 3rd, 4th, 5th, 6th नंबर पे भी नहीं आते. So it is quite disheartening for me. And then मैंने अपने friends लोग से suggestion लिया that should I change my name. और मैंने सबको reason बताया कि why I want to change my name. तो दे ऑल सेड दैट हाँ यू शुड डू दैट, लाइक यू शुड डू दैट. तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने और भी लोगों से पूछा, मतलब मैंने बहुत कुछ पूछा. मैंने इंस्टाग्राम पे पोल भी डाला था दैट शुड आई चेंज माई नेम और नॉट. तो उसमें भी शायद बहुत लोगों ने मेजॉरिटी ने मेरे को येस बोला. एंड जिन्होंने नो बोला मेरे को पता है उन लोगों को नहीं पता होगा कि वाई आई एम सेइंग दिस. और इन सब का रीज़न क्या है, पहली बात इस सब का रीज़न ये है, मेरा नाम टॉप पे शो क्यों नहीं करता है, इसका रीज़न ये है कि देर इज़ अ सेलिब्रिटी नेम्ड एज निधि सिंह और उसके वो TVF फिल्टर कॉपी फिर नेटफ्लिक्स ये सब के वेब सीरीज़ बनाती है. तो ऑब्वियस इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि उसका ही वीडियो टॉप पे शो करेगा. एंड बाय गॉड ग्रेस एंड बाय ऑल योर सपोर्ट, इफ मेरे 100K सब्सक्राइबर्स होते मेरा चैनल इन फ्यूचर ग्रो करता है, फिर भी मेरे चैनल का जो वीडियो वो टॉप पे शो नहीं करेगा, लाइक जैसे सबका करता है नहीं करेगा. जब भी आप निधि सिंह सर्च करोगे हमेशा उसका ही वीडियो आएगा, मेरा नहीं आएगा, तो फ़ायदा नहीं है ना. इसलिए then I came to a decision that I should change my name. और फिर इसके लिए मैंने बहुत लोगों से पूछा, लाइक बहुतों से पूछा. वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट नो डोंट चेंज बिकॉज इट्स योर रियल नेम, पीपल केम टू सी योर क्यूटनेस ऑन दिस चैनल. आई वॉज लाइक अगर जब मैं मेरी क्यूटनेस या फिर जब मेरे को देखने लोग मेरे चैनल पर आते हैं और वो मेरा नाम सर्च करेंगे और मैं उनको मिलूंगी नहीं तो वो लोग देखेंगे क्या, राइट. तो इसलिए मैंने बोला कि चेंज करते हैं चलो. देन फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक और वो Q&A वाला डाला जिसमें मैंने लोगों से पूछा कि मेरा नाम क्या होना चाहिए अगर आप लोग को लगता है कि इफ यस, मैं यहाँ पे वो क्लिप डाल दूंगी उसका, ठीक है. तो मैंने लोगों से पूछा कि मतलब क्या नाम हो सकता है, एनी सजेशन ऑफ नेम. एंड गाइज उसके बाद जो मेरे को सजेशन आया इट वॉज
मैं बता देती, मैं यहाँ पे लगा दूंगी साड़ी में, जैसे लाइक समवन सेट सेवन सेवन, समवन सेट झुमके वाली, लाइक लिटरली डिड आई वेयर झुमका, हाँ झुमका, जब सब लोग डिड आई सेल झुमका, क्यों झुमके वाली, बट देन फिर ओ माई गॉड माई फॉलोअर्स आर लिट, फिर तो फिर क्या हुआ, फिर मैं आई आस्क टू माई मॉम दैट शुड आई चेंज माई नेम और नॉट, देन शी सेट, मैंने उन्हें रीजन भी बताया वाई आई वॉन्टेड टू चेंज माई नेम, तो वो बोली हाँ यू शुड डू दैट, एंड फिर मैंने पूछा भी थे वॉट द नेम शुड बी लाइक, तो शी सेड कि जब मैं छोटी थी एंड जब मैं जन्म लिया था तभी मेरे पापा ने मेरा नाम रोशनी रखा था, ओके तो शी सेड कि रोशनी और निधि को मिला के एक नाम बना लो, तो मेरे को फिर मम्मी ने बोला रोशनी निधि, आई वॉज लाइक रोशनी निधि डजंट इट क्वाइट वियर्ड, लाइक बहुत लंबा और हैवी नाम हो जाता है राइट, तो फिर आई कॉल माई फ्रेंड एंड आई आस्क हर, तो उसने भी बोला, फिर हम लोगों ने बोला कि हाँ ये रोशनी नाम है और हम लोग इसी से कुछ खेल वेल के जोड़ जाड़ के एक नाम बनाना है, आफ्टर लॉट ऑफ कैलकुलेशन ही केम अप विद द नेम कॉल्ड रोशदी, ROSHDHI, एंड आई एम गोना टेल यू ऑल व्हाट दिस, इस रोशदी का मतलब क्या होता है, लाइक मैंने कैसे किया, तो ROSH इज फ्रॉम रोशनी एंड DHI इज फ्रॉम निधि, सो एंड वी केम अप विथ दिस नेम कॉल्ड रोशिदी, और इसके बाद ये तो हो गया, एंड नाउ अब बात आती है सरनेम का, लाइक उसके आगे पीछे भी तो कोई होना चाहिए, उसके माँ बाप भी तो होने चाहिए, तो हम लोगों ने सोचा इसका नाम क्या, मतलब सरनेम क्या डालें, तो फिर ऐसे हम लोग गूगल पे सर्च कर रहे थे, तो उसने मेरे को, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बताया कि नर्ड, तो नर्ड का मतलब हम लोग को लगता था लाइक क्रेजी साउंड करता है ना, लाइक जो क्रेज बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो ऐसा, तो मेरे को लगा अच्छा चलो क्रेजी मतलब विच इज विच आई एम लाइक आई एम अ क्रेजी काइंड ऑफ अ गर्ल, तो मेरे को लगा कि अच्छा साउंड करता है नर्ड रोशनी, तो फिर मैंने गूगल पे जाके सर्च किया, हूँ तो मैं गवाड़ी ना, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया एंड उसका मतलब आया अ पर्सन हु हैव बोरिंग हॉबीज एंड हु इज नॉट फैशनेबल एट ऑल, विच इज सो नॉट मी बिकॉज गाइज आई लव फैशन, आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग हॉबीज, सो विच इज सो नॉट मी, देन मैंने बोला नहीं ये नहीं चलेगा, एंड देन हम लोग जो एक नेम फाइनल हुआ विच इज रोशदी फ्रेम, तो गाइज आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये नेम कैसा है, लाइक रोशदी फ्रेम कैसा है, सो माई न्यू यूट्यूब नेम इज गोइंग टू बी रोशदी फ्रेम, याद कर लो सब प्लीज, और अब रोशदी फ्रेम में सर्च करना पक्का आएगा यूट्यूब पे पक्का, एंड वंस अगेन गाइज थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे को इतना प्यार दे, लाइक 350 सब्सक्राइबर्स, आई हैवन थिंक ऑफ दैट गाइज, आई हैवन लाइक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स टू मम्मी, मम्मी भी मेरे को बहुत ज़्यादा रिंग, पता है जब मैं ना ये सब देखती थी कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, मेरे वीडियो नहीं आ रहे ऊपर, मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ ऐसे में कुछ, बट माई मॉम बहुत मम्मी को डांटती थी कि तुम स्टार्ट कर लेते हो हर चीज़ और कोई चीज़ कंटिन्यू क्यों नहीं करती हो, बट यूट्यूब इज समथिंग विच आई वॉन्टेड सिंस क्लास 12, जो मैं सेजल कुमार के वीडियोज़ देखती थी तभी से मेरे को यूट्यूब बनाने का बहुत मन करता था, लाइक सेजल कुमार इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म, प्रियंका चोपड़ा इज स्टिल द फर्स्ट, तो दिस इज इट, प्रॉबेबली मैंने 9 मिनट बात कर ली, ओ माई गॉड अभी बिना रुके बोला मैंने, बिना रुके मैंने एक भी टेक नहीं लिया इसमें, इम्प्रूविंग अ लॉट, एंड ऑल्सो गाइस आप लोगों ने मेरे चैलेंज वाले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स के, लाइक यू गाइस लाइक चैलेंज इस वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं और भी चैलेंज वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मेरे को चैलेंजेस करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मैं देखती भी वही रहती हूँ, तो मैं वो बनाऊंगी पक्का 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 प्रॉमिस, एंड वन मोर थिंग अब मैं वीडियो कंसिस्टेंटली डालूंगी, लाइक मैं बता देती हूँ, मैं वीक में 2 बार सोची हूँ कि मैं डालूँ यूट्यूब वीडियो एंड सी इफ इट वर्क्स और नॉट फॉर मी, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ, आज मैंने शैम्पू किया है बस ये वीडियो शूट करने के लिए, नहीं तो 10 दिन से मैंने तेल डाले हुए थे अपने बालों में, ओह बाय द वे आई हैड अ हेयर कट, ओके मैं कुछ ज़्यादा ही बक बक कर चुकी हूँ, सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच, तो अब मेरी शायद इंट्रो भी चेंज होने वाले है, आई थिंक यू गाना मिस दैट, हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वाला थिंग, बट आई एम स्टिल द सेम, नाम चेंज हुआ बट मैं चेंज नहीं हुई, सो ओके और हाँ मैंने आपको डेट स्पेसिफाई नहीं किया ना, डे कौन सा, मतलब एक वीडियो मैं कभी भी, मतलब वीक में मैंने सोचा कि 2 वीडियो डालूंगी, तो एक फ्राइडे को मैं डालने वाली हूँ और अब मैं शूट कर लूँगी, मेरे पास अभी बैक टू बैक आइडियाज़ हैं, मेरे पास आइडियाज़ बहुत सारे कि मेरे को किस क्या बनाना चाहिए क्या नहीं, बट यही बात था, यही मेन प्रॉब्लम तो यही थी कि मेरा नाम ही नहीं आता था चैनल पे, तो मेरे को बहुत बुरा लगता था, बट नाउ इट्स ऑल सॉर्टेड, मैं कितनी अच्छी हूँ ना, लाइक कोई भी प्रॉब्लम आता है ना मेरी लाइफ में उसको निकाल फेंकती हूँ,
That's me. और दिस वॉज इट, दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से यू ऑल गाइज फ्रॉम वेरी लॉन्ग तो नहीं, 2-3 दिन पहले ये आइडिया है. और मेरे को बहुत, और फिर थैंक यू सो मच जिसने मेरे को नेम सजेस्ट करने में इतना ज़्यादा हेल्प किया. थैंक यू मच फॉर यू ऑल गाइज एंड राशिदी, बहुत अच्छा नाम है ना. सो दिस इज इट एंड आई होप यू ऑल लाइक इट. हाँ तो आप लोगों को पक्का पसंद आया होगा. एंड इफ़ यू डेड देन प्लीज़ इसको जल्द जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो प्लीज़ करो, सो दैट दे ऑल गेट टू नो कि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल नेम क्या है, जिससे लोगों को आसानी हो वीडियो खोजने में. एंड या दैट्स इट प्रोबेबली, हाँ बस इतने. एंड प्लीज़ शेयर इट विद मोर पीपल, बिकॉज शेयरिंग इज ग्रेटर देन केयरिंग. So please share it, please share it with all your friends. And जल्दी जल्दी मेरे चैनल को 1000 कर दो यार, मेरे को लालच हो रहा है. 350, 400 कब होंगे, 450, 500, please do it 1000 please. And yeah, and now follow me on Instagram. तुम मेरे को Instagram पे follow नहीं करते हो, क्यों? Just go and follow me out there. मेरे को बहुत कंप्लेन आती है कि तुम इंग्लिश में बात करती हो, बस इंग्लिश में बात करती हो. तो मैं कोशिश अब हिंदी में बात करती हूँ. पता है क्या होता है, मैं इंग्लिश तो आती नहीं है मेरे को, लेकिन जब कैमरा के सामने आती थी तो मैं अंग्रेज बन जाती हूँ. इंग्लिश तो ऐसे निकलती है, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी. या दैट वॉज इट, चलो बाय 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 बाय.